हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पंडोले स्टडीज़। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही पावरफुल टॉपिक, जिसका नाम है एसे ऑन वुमेन एम्पावरमेंट एक्सप्लेन। मैं आपको इसे हिंदी में भी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँगी ताकि वुमेन एम्पावरमेंट क्या है ये आप सभी जान सके हिंदी में भी, और इसका मतलब जो एग्जैक्ट मतलब है ये सभी आप समझ सके। तो चलिए शुरू करते हैं एसे ऑन वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट इज एम्पावरिंग द वुमेन टू टेक देयर ओन डिसीजन फॉर देयर पर्सनल डेवलपमेंट एज वेल एज सोशल डेवलपमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट एक औरतों की शक्ति औरत सशक्तिकरण कह सकते हैं इसे, जिससे औरत को अपना खुद का डिसीजन लेने के लिए, अपने खुद के पर्सनल डेवलपमेंट के लिए जो डिसीजन लेना ज़रूरी है वो डिसीजन लेने के लिए, एज वेल एज यानी उसी के साथ साथ सामाजिक तौर पर समाज को विकसित करने के लिए जो एक औरत को डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़े वो सभी इसके अंदर आते हैं। एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन वुड मीन एनकरेजिंग वुमेन टू बी सेल्फ रिलायंट, सेल्फ डिपेंडेंट एंड हैव पॉजिटिव एस्टीम, जनरेट कॉन्फिडेंट टू फेस एनी डिफिकल्ट सिचुएशन एंड इन साइड एक्टिव पार्टिसिपेशन इन वेरियस सोशियो पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंडवर्स। एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि जो महिला सशक्तिकरण है वह औरत को साहस देने के लिए, खुद पर डिपेंड करने के लिए, खुद पर रिलायंट या डिपेंड दोनों एक ही चीज़ है, और पॉजिटिव एस्टीम बनाने के लिए कोई भी चीज़ में कि इससे ये अच्छी चीज़ हो सकती है, ये इस तरह का कॉन्फिडेंट पैदा करने के लिए, और किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में खुद का प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करने के लिए, और साथ ही साथ बहुत सारी सोशियो पॉलिसिटिकल मतलब सामाजिक और पॉलिटिस्टिक चीज़ों में एक्टिव पार्टिसिपेट करने के लिए, एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए इन लोग महिलाओं का डेवलपमेंट ज़रूरी है। इन द एंशंट टाइम वुमेन वर ट्रीटेड वेरी बैडली बाय फैमिली एंड सोसाइटी। पुराने वक्त का, जब मैं पुराना वक्त था तब वुमेन्स को यानी औरतों को बहुत बुरे तरीके से ट्रीट किया जाता था फैमिली के और मतलब सामाजिक और पारिवारिक तौर पर। दे वर नॉट गिवन एजुकेशन एंड वर ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू डूइंग हाउस होल्ड टास्क। उन्हें कोई भी एजुकेशन यानी शिक्षा नहीं दी जाती थी, उन्हें सिर्फ कहा जाता था कि घर के काम करो, घर के जो भी टास्क है सिर्फ वो कम्प्लीट करो, खाना बनाओ, घर पर झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, सिर्फ इतने ही तक महिलाओं को पुराने टाइम पर सीमित रखा जाता था। They were kept completely oblivious of their rights and development. उन्हें उनके जो rights है यानी उनके जो rights है और जो उनका development है उससे दूर रखा जाता था completely, पूरी तरीके से उनको अपने हक से महरूम रखा जाता था। Women make up half of the country, so in order to make the country an entirely powerful country, women empowerment is very necessary. क्योंकि औरतें आधी है मतलब पूरी इंडिया में या पूरे देश में एक औरत की जनसंख्या एक मर्द की जनसंख्या के बराबर ही होती है लगभग, सो इसीलिए अगर आपको एक पावरफुल कंट्री बनाना है तो आपको अपनी महिलाओं को भी पावरफुल बनाना पड़ेगा। महिलाओं का एम्पावरमेंट यानी महिला सशक्तिकरण इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देयर आर वेरियस वेज इन हाउ वन कैन एम्पावर वुमेन। द इंडिविजुअल एंड गवर्नमेंट मस्ट बोथ कम टुगेदर टू मेक इट हैपन। बहुत सारे वेज है जिससे हम हमारी वुमेन्स को, महिला को सशक्तिकरण के तरफ बढ़ा सकते हैं। हम यह व्यक्तिगत रूप से और साथ ही साथ सरकारी रूप से दोनों ही तरह से अगर साथ मिलकर ये करते हैं तो ये बहुत जल्दी मुमकिन होगा। एजुकेशन फॉर गर्ल्स मस्ट बी मेड कंपल्सरी सो दैट वुमेन कैन बिकम लिटरेट टू मेक अ लाइफ फॉर देमसेल्फ। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है शिक्षा। शिक्षा हम सभी की, लड़कियों की ज़िंदगी में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए हमारी सरकार ने अभी तक बना भी दिया है एजुकेशन हर लड़की के लिए कंपलसरी होनी चाहिए ताकि एक औरत महिला पढ़ी लिखी हो अपनी ज़िंदगी को बनाने के लिए।
वुमेन मस्ट बी गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन एवरी फील्ड इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर. मोर ओवर दे मस्ट ऑल्सो बी गिवन इक्वल पे. जो हमारी औरतें हैं हम सभी को सारी चीज़ों में हर फील्ड में इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए और जेंडर के बेस पे जज नहीं होना चाहिए. और इससे भी ज़्यादा जो काम उन्हें इक्वल काम भी इक्वल मिले और साथ ही साथ उनकी पेमेंट भी इक्वल हो. वी कैन ऑल्सो एम्पावर वुमेन बाय एलिमिनेटिंग चाइल्ड मैरिजेस इन इंडिया विच इज़ कॉमनली कंडक्टेड इन विलेज एरियाज. हम महिला सशक्तिकरण को इस तरह से भी बढ़ावा दे सकते हैं कि हम जो चाइल्ड मैरिजेस इंडिया में होती हैं यानी कि बाल विवाह इन सब को रोकें जो कि हमारे देश के बहुत से गांव छोटे छोटे एरियाज में होता है. वेरियस प्रोग्राम्स मस्ट बी कंडक्टेड वेयर दे कैन बी गिवन द एबिलिटी टू डिफेंड देमसेल्व इन केस दे फेस फाइनेंशियल क्राइसिस. बहुत सारे प्रोग्राम्स भी कंडक्ट किए जा रहे हैं जिससे हमारी महिलाओं को खुद को डिफेंड करने की शक्ति मिलती है जिससे अगर वो किसी तरह के फाइनेंशियल क्राइसिस में है तो. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द शेम ऑफ डिवोर्स एंड अब्यूज मस्ट बी थ्रोन आउट ऑफ द विंडो. मैनी वुमेन स्टे इन अब्यूसिव रिलेशनशिप बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ सोसाइटी. सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि जो हम शर्म करते हैं कि डिवोर्सी होना एक बहुत बुरी चीज़ हो जाती है और इसलिए बहुत सी लेडीज़ क्या करती हैं कि वो बहुत अब्यूज़ होती है यानी कि बहुत प्रताड़ित की जाने के बावजूद भी किसी एक रिलेशनशिप में किसी शादी में बंधी रहती हैं जबकि उन सब को सोसाइटी का डर होता है कि समाज क्या कहेगा लोग क्या कहेंगे. ये सब नहीं सोचना चाहिए. और अगर आपको किसी भी तरह की परेशानी है किसी भी तरह की प्रताड़ना हो रही है अपने ससुराल में ससुराल वालों द्वारा या फिर अपने हस्बैंड द्वारा तो आपको उनसे डिवोर्स ले लेना चाहिए. ऐसे रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए जहाँ पे आपको अब्यूज़ किया जा रहा हो या प्रताड़ित किया जा रहा हो. समाज के डर से हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. पेरेंट्स मस्ट टीच देयर डॉटर्स इट इज़ ओके टू कम होम डिवोर्स्ड रेदर देन इन अ कॉफिन. सब लोगों सारे पेरेंट्स को सारे माता पिता को अपनी बच्चियों को बेटियों को ये ट्रीट करना चाहिए ये टीच सिखाना चाहिए कि आप घर में डिवोर्स लेकर आ जाएं उससे पहले जिससे कि मतलब अगर आप डिवोर्स नहीं लेंगे और अगर आपको कॉफिन यानी कि ख़त्म करके ख़त्म होने के बाद जो एक बॉक्स में डाला जाता है उसे कॉफिन कहते हैं. अगर आप ऐसे कफन में लिपटे हुए या फिर कॉफिन के अंदर बंद होकर घर आओ उससे बेहतर है कि आप डिवोर्स लेके ज़िंदा घर वापस आ जाओ. यानी कि ऐसी जगह मत रहो जहाँ आपको रोज मेंटली या फिर फिजिकली टॉर्चर किया जा रहा है. उससे बेहतर है कि डिवोर्स लो और घर आ जाओ. वुमेन एम्पावरमेंट इन द ट्रस्ट सेंस विल बी अचीव्ड ओनली व्हेन द ट्रूएस्ट सेंस सॉरी वुमेन एम्पावरमेंट इन द ट्रूएस्ट सेंस विल बी अचीव्ड ओनली व्हेन देयर इज एटीट्यूडनल चेंज इन सोसाइटी विथ रिगार्ड टू वुमेन फॉल्क ट्रीटिंग दैम विथ प्रॉपर रिस्पेक्ट डिग्निटी फेयरनेस एंड इक्वालिटी. वुमेन एम्पावरमेंट हम सबसे ज़्यादा सच्चे मन से तभी अचीव कर पाएंगे जब हम एटीट्यूडनल चेंज लाएं हमारी सोसाइटी में हमारे समाज में. और हमारे समाज में जो जिस तरह से ट्रीट किया जाता है लड़कियों को उसमें उन्हें रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट किया जाए यानी कि उन्हें इज्जत दी जाए डिग्निटी दी जाए उन्हें निडर बनाया जाए और उन्हें इक्वालिटी दी जाए यानी कि समानता से हम ट्रीट करें. सो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है. इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए डू लाइक दिस वीडियो इसे शेयर की इस पर कमेंट्स करके मुझे बताइए कि आपका क्या ख्याल है वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर यानी महिला सशक्तिकरण के ऊपर. इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन लोगों तक पहुँचाइए इसे जो लोग इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ है जो महिलाओं को पढ़ाना नहीं चाहते उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए कि वो लोग एकदम गलत सोच रखते हैं और उन्हें अपनी सोच बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. सब्सक्राइब कर लीजिए पंडोले स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल को इसी तरह के अच्छे और समझदार वीडियोज़ के लिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों.